आ गया आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं आटो पैसा। दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर मार्केट में आपका व्यू बुलिश की तरफ है यानी ऊपर की तरफ है तो आपको कौन सा ट्रेड लेना है, किस तरह से लेना है। दोस्तों मैंने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें कल हमने बात किया था अगर मार्केट ऊपर की तरफ है तो कॉल को बाय कैसे करते हैं, ठीक है। आज इसके बारे में बात करेंगे, पुट को सेल कैसे करेंगे यानी मार्केट अगर बुलिश की तरफ है तो कॉल को बाय करके पैसे कमा सकते हैं और पुट को सेल करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होता है इस स्ट्रेटेजी बिल्डर में कि प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट कितना होगा, 832 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रेड को ध्यान से लेना है अगर ये मार्केट बुलिश की तरफ है, जब इस ट्रेड को लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमें स्ट्राइक प्राइस निकाल के दिया है सेल करने के लिए 19150 का पीई, ठीक है, ये वाला हमें सेल करने के लिए दिया है। तो दोस्तों इस तरह से करना है और इसमें फंड का साइज कितना लग जाएगा, 1,06,000 फंड का साइज लगेगा यानी पुट सेल करने के लिए 1,06,000 की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन सेलिंग करने में एक बेनिफिट है कि मार्केट घूमता रहेगा एक ही रेंज में, फिर भी आपका थीटा के कारण प्रॉफिट हो जाएगा, इसीलिए ज्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करते हैं ताकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए तो हमें प्रॉफिट कम से कम हो लेकिन लॉस से बच जाए, इसीलिए ऑप्शन सेलर कम पैसे कमाने के लिए ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो समझ गए दोस्तों, इसमें ज्यादा पैसे लगेंगे ऑप्शन सेलिंग करने में और ऑप्शन बाइंग करने में। यहाँ पे देख सकते हैं कॉल को बाई करेंगे तो कम पैसे लगेंगे और सेल करेंगे पुट को तो ज्यादा पैसे लगेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं आप ऑप्शन सेलर हैं कि ऑप्शन बायर है। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना है स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाके। स्ट्राइक प्राइस बहुत सारे लोग चुन नहीं पाते हैं तो आपको चुन के बता देगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। दोस्तों कल हम बात करेंगे बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है, ये वाला स्ट्रेटेजी हम कल बात करेंगे। हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं उसका प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सीरीज देख लेंगे तो आपको ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कम से कम लॉस होगा और ज्यादा ज्यादा आपको प्रॉफिट होने की कोशिश करेगा। ये स्ट्रेटेजी आप यूज करें तो जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उसी डायरेक्शन में यूज करना है, सिर्फ इस स्ट्रेटेजी बिल्डर की वजह से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।